बिग बॉस OTT 3 में शामिल होने वाली कंटेस्टेंट में से एक है TV एक्ट्रेस सना मकबूल। दोस्तों आइए जानते हैं आखिर कौन है सना मकबूल, साथ ही जानेंगे उनके लाइफस्टाइल, बायोग्राफिक, करियर, साथ ही साथ जानेंगे उनके रिलेशनशिप के बारे में। आइए दोस्तों आप जानते हैं सना के पर्सनल लाइफ के बारे में। सना का पूरा नाम सना मकबूल खान है, प्रोफेशन से एक्टर मॉडल है। सना का जन्म 13 जून 1993 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। साल 2024 में सना 31 साल की है। बात करें सना के एजुकेशन के बारे में तो दोस्तों सना ने अपने स्कूल की पढ़ाई अपने ही होम टाउन मुंबई से की है और बाद में अपने कॉलेज की पढ़ाई RD नेशनल कॉलेज मुंबई से की। सना ने मुंबई यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ मास मीडिया में ग्रेजुएशन पूरा किया है। चलिए दोस्तों आप जानते हैं सना के फैमिली के बारे में। दोस्तों सना के पिता मकबूल खान एक बिजनेसमैन है, साथ ही साथ उनकी माता एक हाउसवाइफ है। बात करें उनके बहन के बारे में तो शफा नईन खान है, वो भी एक बिजनेस वुमन है। चलिए दोस्तों आप जानते हैं सना मकबूल के करियर के बारे में। दोस्तों सना एक फेमस TV एक्ट्रेस और मॉडल है जो मुंबई महाराष्ट्र में रहती है। सना ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2010 में TV शो ईशान सपनों को आवाज़ दे से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। बाद में कई शो जैसे कितनी मोहब्बत है 2 और इस प्यार को क्या नाम दूँ में काम किया। उन्होंने 2014 में तेलुगु फिल्म डिक्कुलु चुराकु रामया और 2017 में तमिल फिल्म रंगून से अपने साउथ इंडियन मूवीज़ में एक्टिंग करियर की शुरुआत की। सना ने 2021 में रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 11 में भी भाग लिया जहां वो सेमीफाइनलिस्ट बनी। हाल ही में सना बिग बॉस OTT 3 में एक कंटेस्टेंट के रूप में नजर आ रही है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं सना मकबूल के रिलेशनशिप के बारे में। तो दोस्तों बात करें उनके रिलेशनशिप की तो सना श्रीकांत बुरे रेड्डी के साथ रिलेशनशिप में है, वो एक बिजनेसमैन है। चलिए दोस्तों आप जानते हैं सना मकबूल के इंस्टाग्राम के बारे में। तो दोस्तों सना के इंस्टाग्राम पर 2.2 मिलियन फॉलोअर्स है। दोस्तों आप भी अगर सना मकबूल के फैन हैं तो इस वीडियो को कर देना एक लाइक। अगर आप भी इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को कर देना प्रेस। चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।